नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। मातृशक्ति के सम्मान के प्रतीक नुपुर शर्मा को सरेआम परिवार समेत जान से मारने एवं बलात्कार करने की धमकी देने वालों पर कठोर से कठोर कार्रवाई करने एवं नुपुर शर्मा को और अधिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक समाज श्रेष्ठ समाज संस्था के अध्यक्ष योगेंद्र कुमार साहू और संरक्षक रूपेंद्र नागर के नेतृत्व में संस्था के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को हल्द्वानी सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह के माध्यम से ज्ञापन भेजा। इस दौरान एक समाज श्रेष्ठ समाज संस्था के अध्यक्ष योगेंद्र कुमार साहू और कोषा अध्यक्ष बलराम हलदार ने संयुक्त रूप से कहा कि नुपुर शर्मा को परिवार समेत लगातार जान से मारने एवं बलात्कार करने की धमकी दी जा रही है। इसे भारत सरकार बहुत ही गंभीरता से लेकर नुपुर शर्मा के जान माल के खतरे को देखते हुए नुपुर शर्मा को और अधिक से अधिक सुरक्षा प्रदान करे, क्योंकि जिस प्रकार से आतंकवाद का कोई नियम और कानून नहीं होता, ठीक उसी प्रकार से नुपुर शर्मा को सरेआम बलात्कार कर हत्या करने की धमकी देने वालों का भी कोई नियम कानून नहीं है। इसलिए धमकी देने वाले आतंकी सोच के लोगों को चिन्हित कर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। इससे गलत कार्य करने वालों के मन में भारतीय कानून व्यवस्था का सम्मान उत्पन्न हो जाएगा। इससे भविष्य में होने वाली अनहोनी घटनाओं से बचा जा सकेगा और मातृशक्ति के सम्मान में कोई ठेस ना पहुंचे, क्योंकि भारत सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के दिशा में लगातार कार्य कर रही है। इसलिए वे सभी भारत सरकार से उम्मीद करते हैं कि नुपुर शर्मा की सुरक्षा व्यवस्था को पूर्ण रूप से सुनिश्चित किया जाएगा। हल्द्वानी से हमारे संवाददाता योगेंद्र साहू की रिपोर्ट। एक समाज समाज संस्था के माध्यम से आज संस्था पदाधिकारियों ने हल्द्वानी सिटी मजिस्ट्रेट के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, गृह मंत्री अमित शाह जी को एक ज्ञापन भेजकर यह मांग की है कि जो लोग नुपुर शर्मा को जान से मारने और उनको बलात्कार करने की धमकी दे रहे हैं, उनको चिन्हित कर उन पर कठोरतम कार्रवाई हो और नुपुर शर्मा की अधिक सुरक्षा और बढ़ाई जाए, क्योंकि उनकी जान माल को खतरा है। इसलिए नुपुर शर्मा की सुरक्षा को और मजबूत किया जाए और साथ ही जो लोग उनको धमकी दे रहे हैं जान से मारने की, बलात्कार करने की, उन पर कठोरतम कार्रवाई हो। जब कार्रवाई होगी, जब ही हमारे देश में जो भारत सरकार का विजन है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान जब ही सफल हो पाएगा, जब इस देश की बेटियों को सुरक्षा और उनके ऊपर गलत टिप्पणी करने वालों को कठोरतम सजा मिलेगी। आज एक समाज श्रेष्ठ समाज संस्था द्वारा माननीय प्रधानमंत्री महोदय के लिए, माननीय गृह मंत्री महोदय के लिए, सिटी मजिस्ट्रेट महोदय हल्द्वानी नेताल के माध्यम से हमने एक ज्ञापन प्रेषित किया है, जिसमें नुपुर शर्मा जी की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मांग की है। जो आतंकवादी संगठनों द्वारा या कुछ अराजक तत्वों द्वारा उनको जान से मारने की धमकी और उनका बलात्कार करने की धमकी दी गई है, उससे हम ये पूरी मातृशक्ति का अपमान है, पूरे देश की महिलाओं का अपमान है। इसके उनकी सुरक्षा को लेकर हमने सरकार से मांग की है कि उनको सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी की जाए और ऐसे आतंकवादी संगठन, ऐसे अराजक तत्वों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग एक समाज से समाज संस्था के माध्यम से हमने ज्ञापन देकर की है। हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।